नमस्कार, मैं हूं प्रवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। पहलवानों की न्याय की लड़ाई के आगे अब केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। क्या बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होगी? अब इसके संकेत दिखाई देने लगे हैं। पहलवानों के आंदोलन में किसानों और खापों के हस्तक्षेप के बाद ऐसी खबरें हैं कि इस मामले पर बीजेपी में भी दो मत हैं। बीजेपी में अब बृजभूषण शरण सिंह से हमदर्दी रखने वाले बहुत कम नेता हैं। ये मानने वालों की संख्या बढ़ रही है कि पहलवानों की शिकायत पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि बृजभूषण को इस तरह से मीडिया में नहीं आना चाहिए। बृजभूषण मामले को शांत करने का अवसर भी नहीं दे रहे हैं। उन्हें अयोध्या में 5 जून यानी आज रैली करने का दबाव बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कुछ दिन शांत रहते तो अच्छा होता। सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए हैं। वहीं इस बीच भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात अमित शाह के आवास पर करीब करीब 1.5 घंटे तक चली। बताया गया है कि दोनों पक्ष शनिवार रात करीब 11 बजे मिले थे। अमित शाह ने पहलवानों से तब मुलाकात की है जब खाप पंचायतों की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलवानों ने अमित शाह से WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके बाद गृह मंत्री ने पहलवानों से बिना भेदभाव के पूरी जांच का भरोसा दिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पहलवानों ने ही अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा था। अमित शाह ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा, पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने पहलवानों से ये भी पूछा कि क्या पुलिस को अपना काम करने का समय नहीं देना चाहिए। सुदेश मलिक ने बताया कि शाह ने पहलवानों को आंदोलन समाप्त करने के लिए समझाते हुए कहा कि किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुलाकात के दौरान पहलवानों ने बृजभूषण की गिरफ्तारी पर ही जोर दिया। इस पर शाह ने कहा कि कोई भी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होगी। इसके बाद रविवार को बजरंग पूनिया सोनीपत की मुंडलाना पंचायत में पहुंचे थे और आह्वान किया था कि पंचायत में कोई फैसला नहीं लिया जाए। उन्होंने ऐलान किया था कि जल्द ही सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी। इस बारे में 3-4 दिन में फैसला लिया जाएगा, फिर सभी को पंचायत के स्थान और समय के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। इसी पंचायत में आंदोलन की रणनीति पर अगला फैसला लिया जाएगा। आप देख रहे हैं द भारत खबर। अगर चैनल पर पहली बार खबर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस खबर पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। नमस्कार।